हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग आज हम इस वीडियो में एक सैम्पल पेपर देखने वाले हैं इंग्लिश का सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको फोर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोर सेक्शंस में इसको बांटा गया है सेक्शन ए रीडिंग का है जो कि फाइव मार्क्स का है सेक्शन बी जो राइटिंग का फाइव मार्क्स का है सेक्शन सी है जो ग्रामर है फिफ्टीन मार्क्स की और डी जो है वो हमारा इंग्लिश रीडर है जो कि फिफ्टीन मार्क्स का है तो वन बाय वन हम इन्हें करते हैं लेट स्टार्ट सेक्शन ए जो है रीडिंग है इसमें जो पैसेज है वो आपको ध्यान से रीड करना है तो हम शुरू करते हैं पैसेज को रीड करना एडिसन वॉज बॉर्न इन एटीन फोर्टी सेवन इन ओहियो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ सेवन चिल्ड्रेन ही वॉज अ बिजी क्यूरियस बॉय हु गॉट इन टू ट्रेवल एट स्कूल हिज टीचर

ठीक है अब इसी में से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन वेन वाज एडिसन बॉन्ड तो हमें जस्ट देखना है यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें पता है क्या दिया है ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 1847 तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे 1847 देखिए ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी तो ये ऑप्शन बी जो है हम इसको करेक्ट कर देंगे नेक्स्ट आप देखिए हु टॉट एडिसन एट होम तो हमें पता है उसकी मामा उसे पढ़ाती थी वॉट वॉज इज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या है इसका इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब तो ये बी ऑप्शन ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स एडिशन वॉज द एल्डेस्ट ऑफ़ सेवन चिल्ड्रन तो आप पैसेज में जाइए क्या वो सबसे बड़ा था ठीक है नहीं वो यंगेस्ट था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एल्डेस्ट नहीं यंगेस्ट था तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है ये सही नहीं है नेक्स्ट आप देखिए एडिसन्स मदर वॉज एन एक्सीलेंट स्कूल टीचर या स्टेटमेंट ट्रू है वो एक बहुत अच्छी स्कूल टीचर थी राइट द मीनिंग ऑफ एडल्ट एडल्ट का मीनिंग इसमें दिया ही हुआ है आपके जो पैराग्राफ में देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं विच मीन स्लो एंड डिम ठीक है तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे इसका मतलब होता है स्लो एंड डिम नेक्स्ट सेक्शन बी जो राइटिंग है राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट योर ग्रैंड मा डज फॉर यू या फिर और जो बीच में है या तो आप इस पर लिख सकते हैं या फाइव सेंटेंसेज अबाउट योर फेवरेट फ्रूट जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उस पर आपको फाइव सेंटेंसेज लिखने हैं या फिर आपकी ग्रैंड माँ आपकी दादी आपके लिए क्या क्या करती हैं उस पर आप फाइव सेंटेंसेस लिख सकते हैं नेक्स्ट आप देखिए अनस्क्रैबल द एक्शन वर्ड ये एक एक्शन वर्ड है ये दोनों उनको अनस्क्रैबल करना है सही आपको इन्हें कर देना है ठीक है एंड यूज दैम टू मेक सिंपल सेंटेंसेस अनस्क्रेबल कीजिए और एक सिंपल सेंटेंस आपको फॉर्म करना है ठीक है तो आप इसे टी यू सी तो ये जो बनेगा ये बन सकता है कट ठीक है और कट से आपको एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम कर देना है सिमिलरली एन यू आर का बनेगा रन ठीक है तो रन से आपको एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर देना है नेक्स्ट आप देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स में ऑप्शंस हैं आपके पास इन ऑप्शन की हेल्प लेकर आप क्या कर सकते हैं जो ये ब्लैंक है उन्हें फिल करना है द चिल्ड्रन आर डैश सॉन्ग्स तो सॉन्ग्स से तो क्या कर रहे होंगे सिंगिंग ठीक है तो इसमें आपको कर देना है सिंगिंग द डॉक्टर इज डैश द सिक गर्ल क्या कर रहा होगा ट्रीट कर रहा होगा तो ट्रीटिंग दे आर डैश ऑन द बैड क्या होंगे स्लीपिंग ओके यू आर डैश टेलीविजन क्या कर रहे होंगे वॉचिंग ठीक है इस तरीके से फोर्स जो ब्लैंक है उन्हें फिल कर देना है नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन ए आर्टिकल या एन उसमें से क्या आएगा उसको देख कर आपको फिल करना है माई फादर इज़ डैश इंजीनियर सिर्फ स्पेलिंग नहीं देखनी है उसका साउंड भी देखना है स्पेलिंग भी बाउल है और साउंड भी बाउल का आ रहा है एन इंजीनियर तो यहाँ आएगा एन ही इज़ वेयरिंग डैश ही इज वेयरिंग

पास्ट टेंस में कुक का बन जाता है कुक्ड ईडी लगा देंगे ठीक है वॉश का वॉश्ड इट्स वेरी सिंपल आपको सीधा ईडी लगा देना है यहाँ पे नेक्स्ट आप जाइए सर्किल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव आपको पहचानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होते क्या हैं तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन या पर के बारे में और ज़्यादा बताते हैं तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है हमारा प्रीति हैज थ्री डॉग्स ठीक है तो डॉग जो है वो नाउन है एडजेक्टिव उनके जो स्पेशलिटी होती है नाउन की वो भी बता सकते हैं नंबर भी बता सकते हैं तो यहाँ पे जो थ्री है वो एडजेक्टिव है द बैग इज़ वेरी हैवी हैवी क्या है बैग तो बैग तो नाउन है तो एडजेक्टिव क्या हैवी बैग कैसा है हैवी है मलिक इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट तो इसमें रेड है शर्ट कैसा है रेड तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं नेक्स्ट आप देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑपोजिट लिख के ब्लैंक को फिल करना है दैट बैग इज ओल्ड तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दिस बैग इज न्यू क्योंकि ओल्ड का ऑपोजिट न्यू होता है दिस सम इज ईजी बट दैट सम इज़ डिफ़िकल्ट इजी का डिफिकल्ट ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट आप देखिए सेक्शन डी जो है वो डिक्टेशन है जो आपके टीचर्स आपको जैसे कहेंगे या फिर आपके जो भी चैप्टर्स हैं वो आप कर सकते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन है ठीक है, है ये जो भी आपके बुक में जो रीडिंग्स हैं जैसे जो भी चैप्टर्स हैं आपके उसके बेस्ड एम सी क्यू क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं जैसे कि ये साहिल के ग्रैंड मदर जो है उसका बर्थडे कब था इस तरीके से तो ये हर एक जो स्टूडेंट होगा उसकी बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं इट्स डिपेंड अपॉन दैट कि आपके क्या क्या चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्हें करना है ये वर्ड्स किसने किसको कहे अगेन द सेम हेयर फॉल्स भी चैप्टर बेस्ड है तो ये जो डी सेक्शन है इसको अगर हम नहीं काउंट करते हैं ठीक है थीके? तो बाकी का जो पेपर है वो इसी पैटर्न का होता है लगभग सारी स्कूल्स में तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इन्हें कर देना है तो ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग